हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज अपन देखेंगे लिमिट की एक और जबरदस्त ट्रिक। जब कभी भी अगर एमसीक्यू के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा हो, एक ऐसा फंक्शन दे रखा हो जिसकी पावर के अंदर भी एक फंक्शन हो, यानी आपको दे रखा हो एफ एक्स की पावर जी एक्स, और तब आपसे लिमिट पूछे और लिमिट टेंड करे कोई भी चीज को, जीरो को टेंड करे, इन्फिनिटी को टेंड करे, किसी भी लिमिट, किसी भी नंबर को टेंड करे। लेट सपोज जनरली अपन मान लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स अपन को निकालना हो, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन निकालना हो, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसे क्वेश्चन विद इन 3 to 5 सेकंड सॉल्व हो सकते हैं, और जेई के बच्चों के लिए दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन को देखना क्या है, यहाँ पे अपन को सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो, यानी एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखा हो और लिमिट एक्स टेंड टू ए आपको निकालनी हो, तब आपको क्या करना है। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है e की पावर लिमिट x टेंड टू a, आपको ये याद रखना है fx माइनस 1 इनटू gx, यानी नीचे जो फंक्शन होगा उसको 1 में से घटाना है, यानी fx माइनस 1 उसको मल्टीप्लाई करना है पावर वाले फंक्शन gx से, यानी fx माइनस 1 इनटू gx, ये दो नंबर आएंगे आपके पास, उसको आपको क्या करना है लिमिट x टेंड टू a कराना है, यानी आपको क्या करना है, आपको e की पावर में दो चीजों का प्रोडक्ट करना है, किसका करना है एफ एक्स माइनस 1, यानी नीचे जो बेस फंक्शन है उसमें से माइनस 1 करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है जो पावर फंक्शन है जो जी एक्स है, और लिमिट वही एक्स टेंड टू ए टेंड करानी है, और ई की पावर में दोस्तों ये सारा काम होगा, और बड़ा सिंपल सा दोस्तों काम है। एक एग्जांपल लेके देखेंगे दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस से चलेंगे तो आपका काफी समय एग्जाम के अंदर बचेगा, और ट्रेडिशनल मेथड से अगर अपन चले तो वहां पे अपना टाइम वेस्ट हो सकता है एमसीक्यू के अंदर। तो दोस्तों अपन देखते हैं, जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है। जनरली दोस्तों एमसीक्यू के अंदर, आईटी जेई के अंदर और दूसरे एग्जाम के अंदर लिमिट एक्सटेंड टू जीरो या लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी के ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी का लिया और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लिमिट एक्सटेंड टू जीरो का लिया। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, fx आपको दे रखा है x plus 4 upon x minus 2, ये आपका दोस्तों fx हो गया, और gx जो इसकी फंक्शन की पावर है ये दोस्तों मेरा gx हो गया। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये fx की पावर gx का फॉर्मेट दोस्तों बन रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा दोस्तों होगा e की पावर लिमिट x tend to infinity fx minus 1, यानी इस ये जो fx है इसमें से minus 1 करना है, यानी x plus 4 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन मल्टीप्लाई करना है जी एक्स के साथ, जी एक्स जो मेरा एक्स है, तो दोस्तों मेरे पास ये क्या मिलेगा, देखो ये देखो दोस्तों, ये सेपरेट करना बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर दोस्तों आपके पास क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ बचेगा 4 plus 2 6 और मल्टीप्लाई विद एक्स, यानी ऊपर आपके बच गया ई की पावर लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 6x अपॉन x माइनस 2, और जब कभी भी मतलब आपके रेशनल फंक्शन हो p अपॉन q की जिनकी डिग्री सेम हो और लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी हो, तब अपन क्या करते हैं, उसका कोफिशिएंट जो होता है वही उसका आंसर होता है। वो कैसे, अगर मैं यहां से दोस्तों अगर x कॉमन ले लूं, ठीक है दोस्तों, अगर यहां से x कॉमन ले लूं दोस्तों मेरा ऐसा बन जाएगा, ये देखो यहां से अगर x कॉमन ले लो और यहां से अगर x कॉमन लूंगा तो x बाहर आएगा, दिस x को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ दोस्तों आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ दोस्तों आपके पास 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन x। तो अगर अब मैं अगर लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करूंगा तो 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, e की पावर 6 हो गया। तो दोस्तों देखो कितना कम समय यहाँ पे लगा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है लिमिट एक्सटेंड टू ए e की पावर लिमिट एक्सटेंड टू ए fx माइनस 1 इनटू gx, और ये फॉर्मूला आपको एग्जाम के अंदर लगाना है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पूरा आपका fx है और ये मेरा क्या है दोस्तों, gx है, तो मेरे को क्या करना चाहिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे काम है, दोस्तों मेरा क्या होगा e की पावर लिमिट क्या है दोस्तों, x टेंड टू 0 है fx, यानी 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 3 माइनस 1 इंटू gx मेरा है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे को ये जो फॉर्मेट मेरे को दिख रहा है ना, ये दिख के मेरे को याद आ रही है एक बहुत स्टैंडर्ड लिमिट की, जो सबको पता होगी, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दोस्तों होता है लॉग ए और विथ बेस सी। ये दोस्तों सब लोगों को याद भी होगा, स्टैंडर्ड लिमिट होती है, चाहो तो आप इसको या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है, वहां से भी निकल जाएगा, और चाहो तो ए की पावर एक्स का एक्सपांशन कर लेना,
तो वहां से भी आपका एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और वहां से भी आपको लॉग ए मिल ही जाएगा। और वैसे जनरली दोस्तों याद ही रखना चाहिए कि लिमिट एक्सटेंड टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग ए विद बेस ई होता है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस थ्री को मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं माइनस थ्री को यहां पे दोस्तों कैसे, तो ये हो जाएगा ई की पावर लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, इसको मैं माइनस थ्री को मैं माइनस वन यहां पे लिख देता हूं, यहां पे माइनस वन और यहां पे माइनस वन, और इस एक्स को अंदर लेकर आ जाता हूं और इस वन बाय थ्री को मैं बाहर भेज देता हूं। तो दोस्तों और फिर इस एक्स को सबको अलग अलग लिख के अगर मैं लिख दूं तो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए ये वाली फॉर्मेट यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे देखो एक बार ए की वैल्यू टू आएगी, इसमें ए की वैल्यू थ्री आएगी, इसमें ए की वैल्यू फाइव आएगी और लिमिट एक्सटेंड टू जीरो सब पे जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉग ए विद बेस ई। तो एक बार दोस्तों आपको क्या मिलेगा, एक बार दोस्तों आपको मिलेगा ई लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, एक बार आपको मिलेगा लॉग टू, एक बार मिलेगा लॉग थ्री, एक बार मिलेगा लॉग फाइव विद बेस ई, और 1 अपॉन 3 है उसको मैं नीचे वापस लगा देता हूं। तो हो जाएगा e लिमिट एक्सटेंड टू 0 और ये log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा log a b c, यानी हो जाएगा 2 into 3 6 into 5 यानी log 30 अपॉन 3, इस 3 को भी बाहर ले लेते हैं नहीं, यहां पे आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अभी log की दोस्तों आपको प्रॉपर्टी याद होगी, अगर पावर आगे होती तो वो पावर अगर आगे होती तो ऊपर चली जाती, तो ये log e 30 की पावर हो जाएगा 1/3। अब ये दोस्तों एक और प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि log और e आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, ये जो नंबर होगा अंदर वही मिल जाएगा, 30 की पावर 1/3 ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया ये कैसे करना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंपल सा ये फॉर्मूला अगर आप ये याद रख लें किसके लिए, fx की पावर gx जब कभी भी आपको दे रखा हो और लिमिट भले किसी भी नंबर पे टेंड करे, जीरो पे करे, इन्फिनिटी पे करे, किसी भी नंबर पे टेंड करे, तो आपको ये याद रखना है कि e की पावर लिमिट x टेंड टू a fx माइनस 1 इनटू gx इसका फॉर्मूला होता है। ये लगाएंगे तो एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम टाइम पे आंसर मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और भी दोस्तों मैं आगे ऐसे और वीडियो लेके आऊंगा, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों के लाइक्स और सब्सक्राइब ही दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने एक वीडियो देखा, थैंक यू।